दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कुकिंग रेसिपी चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके सामने एक नए डिश के साथ पेश डेली होते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबर। थी इजी रेसिपी के सामने साथ हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। ये एक वेज पुलाव जो है वो स्टूडेंट के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी कम समय में है, ये तैयार हो जाता है, इजी टू मेक है। इसके लिए हमें चाहिए गोभी और आलू, कटे हुए मटर, जितनी भी सीजनल सब्जियां हैं आप काट सकते हैं। प्याज लिया है, 2 छोटे प्याज, टमाटर है, मिर्ची है, और ये हमने लिया है अदरक के कुछ बारीक टुकड़े, और ये लहसुन, लहसुन चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं। ये चावल लिया है, 2 लोगों के लिए चावल हमने लिया है, तो ये फ्लेम ऑन कर लिया है हमने। कुकर में हम इसे बनाएंगे क्योंकि ईजिली बन जाएगा काफ़ी कम समय में, 10 से 15 मिनट लगते हैं इसे बनने में, और काफ़ी टेस्टी भी बनता है। तो ये गर्म हो चुका है कुकर हमारा, तो अब हम इसके इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल, 2 बड़े चम्मच प्याज के अकॉर्डिंग डालेंगे, जिससे कि प्याज को हम पकाते भी हैं थोड़ी देर तक। तो ये हमारा तेल जो है गर्म हो रहा है, फ्लेम हम हाई ही रखेंगे, अपने चूल्हे की फ्लेम जो है वो हाई रखेंगे। ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, अगर प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। तो ये हमने जीरा डाला, क्योंकि अब तेल हमारा गर्म हो चुका है पूरी तरीके से, तो ये हम जीरा डाल रहे हैं। तेल पूरी तरीके से गर्म होने पर ही जीरा डालें आप। ये देखिए जीरा काफ़ी अच्छे से पक गया जीरा। ये अब हमने प्याज डाला, प्याज से पहले अदरक और जो हमने लहसुन का पेस्ट बना रखा है, चॉप कर रखा है, वो डाल देंगे। थोड़ी देर तक अदरक और लहसुन पक जाए, पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा लाल हो जाए उसके बाद ही हम प्याज डालेंगे, जिससे कि ये अपना टेस्ट छोड़ देता है। प्याज, अदरक और लहसुन जो होता है तो थोड़ा पकने में टाइम लगता है इसे। तो अब एक बार से प्याज हमने डाला, प्याज जो है वो 2-4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि इसमें लाल रंग ना आ जाए, अच्छी तरीके से पक ना जाए, तब तक पकाएंगे प्याज को। ये प्याज हमारा पक चुका है काफ़ी अच्छी तरीके से। उसके बाद से हम जितने भी वेजिटेबल्स हैं वो डाल देते हैं, जो कि फ्राई करने हैं हमें, और इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे वेजिटेबल्स को, जिससे हल्का सा ये नरम हो जाए, फ्राई हो जाए। कुकर में किसी पकाना है तो इसे उतना फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम नहीं लगना चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, बस हल्का सा इसे मिक्स कर देंगे। हम इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, जितना आप चाहें, स्वाद के अनुसार हम जितना चावल डाल रहे हैं चावल के अकॉर्डिंग ही नमक डालेंगे। चावल जितना है उसके अनुसार ही नमक आप डालें, सब्जी के अनुसार नमक ना डालें, नहीं तो नमक कम पड़ सकता है। तो ये हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, जिससे कि सब्जी जो है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, वो थोड़ा सा फ्राई हो जाए अच्छे से। वेजिटेबल्स फ्राई हो चुके हैं, अब हम हल्दी डालेंगे, 2 बड़ी चम्मच, इस चम्मच के अकॉर्डिंग, ये मेरे अनुसार से बड़ी ही है, आप चाहें तो छोटी चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 छोटी चम्मच हल्दी डालें। उसके बाद से धनिया पाउडर डालना है हमें, तो 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, ये रहा धनिया पाउडर, 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डाला हमने। धनिया तो आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कि धनिया से काफ़ी अच्छा कलर भी आता है और
सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो धनिया हमने तीन चम्मच डाल दिए है। उसके बाद थोड़ी सी हम मिर्ची पाउडर डालेंगे, आधी से भी आधी चम्मच ये। उसके बाद से हम इन सबको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिला देंगे। तो उसके बाद से जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, जिससे कि मसाला हमारा हल्का फ्राई हो जाए। मसाला जितना ज़्यादा फ्राई होगा उतना ही टेस्ट अच्छा आता है। मसाले की टेस्ट तभी आती है जब मसाले को अच्छी तरीके से हम फ्राई करते हैं। तो हल्का सा पानी डाल दिया हमने और उसके बाद से मसाला फ्राई करेंगे 5 मिनट तक। तो ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया, इसको काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है इसको, जिससे कि मसाला पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। सब्जी के साथ हमारे जो वेजिटेबल्स हैं उसके साथ मसाला मिक्स हो गया है। जब मसाला अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसके बाद हम जो टमाटर काट रखे हैं वो बाद में टमाटर डालेंगे, क्योंकि टमाटर अगर उसके साथ ही डाल देते तो टमाटर गल जाता और टमाटर पता ही नहीं चल पाता। तो अब हमने ऊपर से टमाटर डाला है। तो अब हमारी वेजिटेबल्स बिल्कुल तैयार है चावल डालने के लिए। जो राइस है हमने भिगो रखा था पहले से ही, 2 लोगों के लिए राइस लिया हमने। तो ये राइस हम इसके साथ मिक्स कर दे रहे हैं और राइस डालने के बाद से जो चावल डालेंगे उसके बाद से अच्छे तरीके से इनको दोनों को मिलाएंगे, सब्जियों को और चावल को, जिससे कि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। इसमें सब्जी और जो चावल है वो मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे, पानी कितना डालना है वो भी देख लीजिए आप। मेन जो है वो पानी का रेशियो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, अगर आप चाह रहे हैं कि कुकर में इस चीज़ को बनाएं तो जितना आपका मटेरियल हो रहा है उससे चावल आधी उंगली के बराबर जो है पानी की मात्रा होनी चाहिए ऊपर की तरफ। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कितना पानी हमने लिया है। उसके बाद से हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और दो से तीन सीटी में ये हमारा तैयार हो जाएगा जो है चावल बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये देखिए, 2 से 3 सीटी के बाद हमने इसे खोल लिया है और ये बिल्कुल ही पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। इसे आप गर्मा गर्म परोसें। ये मेनली स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ईजिली तैयार हो जाता है, ईजी टू कुक है, काफ़ी जल्दी तैयार हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल इसे अपने खाने में अप्लाई करें, इसे अपने खाने के साथ अपने यूज करें। ये देखिए, बिल्कुल ही पक गया है चावल, बिल्कुल तैयार हो चुका है परोसने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप और वीडियो चाहते हैं तो हमें इस बात की जानकारी ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में, और हमारे रेसिपी को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।